So, children, the name of your book is Knowledge Universe, and this is book 3. So, let's start chapter number 1. Here, children, the first chapter is Mind Your Manners. So, what do you mean by this? Mind Your Manners means what manners do you have when you face these situations.

और फिर यहाँ पे फिल इट हियर सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर ये यू कैन सी देर आर टू चिल्ड्रेन दो बच्चे यहाँ पे हैं एंड यू कैन सी दैट वन चाइल्ड इज सिक जो एक बच्चा है बहुत ज्यादा बीमार लग रहा है और दूसरा बच्चा उसके पास खड़ा है लेट्स सी वॉट्स रिटन हियर When someone is ill, जब कोई बीमार हो तो आप क्या करते हो सिचुएशन में Thank the person, cover my mouth, finish my homework, brush my teeth, wash my hands, wish him or her good health, and wish him, her, or him, wish him or her good luck. So, here children, this is the correct answer. What we will do if somebody is ill, we will wish him. और हर गुड हेल्थ कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ ना यू कैन सी द नेक्स्ट ये अ बॉय एक बॉय है जो हैंग से क्या कर रहा है अपनी नोज को क्लीन कर रहा है वेन यू कफ और स्नीज सो यहाँ पे चिल्ड्रन आपसे पूछा जा रहा है जब आप खासते हो कफ मीन्स खासना तो जब आप खासते हैं यू स्नीज जब आप छीकते हैं स्नीज मीन छीकना तो आप क्या करते हो इनमें से सो so आप देख सकते हो जैसे इस बच्चे ने अपनी हैंग की ली है वैसे आपको क्या करना है यू हैव टू कवर योर माउथ सो ये यू हैव टू राइट कवर माय माउथ क्लियर नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन

सिमिलरली यहाँ पे एक बच्चा है जो हैंड वॉश कर रहा है आप देख सकते हो वो सिंक के पास खड़ा है अपने वॉश वॉश बेसिन के पास और हैंड कर रहा है सो बिफोर ईटिंग फूड खाना खाने से पहले हमें क्या करना चाहिए हैंड वॉश करना चाहिए वेरी गुड नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वेन टू अपियर इन एन एग्जामिनेशन जब आपका कोई फ्रेंड है या कोई भी आपका नोन पर्सन है वो कहा जा रहा है एग्जाम देने जा रहा है एग्जामिनेशन में बैठने जा रहा है तो आप उस पर्सन को क्या बोलोगे आई विल विश हिम और हर गुड लक क्या बोलते हैं ऑल द बेस्ट बेस्ट ऑफ लक गुड लक सो वॉट गुड लक नाउ इन दिक्कसन से वेन समबडी गिव यू समथिंग आप देख सकते हो एक बॉय है जो एक गर्ल को कुछ गिफ्ट दे रहा है सो वेन समबडी गिव यू समथिंग जब आपको कोई कुछ देता है तो आप क्या करोगे इस सिचुएशन में थैंक द पर्सन मैं उस इंसान को थैंक यू बोलूंगी फोर गोइंग टू स्कूल स्कूल जाने से पहले आप क्या करेंगे क्या करेंगे फिनिश माई होमवर्क तो स्कूल जाने से पहले हमें क्या करना चाहिए अपने होमवर्क को टाइम से फिनिश कर देना चाहिए ताकि हमें स्कूल में डांटना पड़े सो चिल्ड्रेन दिस वॉज चैप्टर वन